एक प्रोफेसर साहब आए और जोर से बोले कि भाइयों अब हम एक गेम खेलते हैं। तो सभी पति पत्नी इकट्ठे होकर, सबकी नजरें प्रोफेसर साहब के तरफ स्टेज पर, बोले कौन सा गेम खेलेंगे प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर साहब ने कहा कि आप में से कोई एक महिला मंच पर आ जाए। वो महिला मंच पर आ गई, एक ब्लैक बोर्ड और एक चौक रखी थी मंच पर सामने। प्रोफेसर साहब ने कहा इस ब्लैक बोर्ड पर अब तुम अपने सगे संबंधियों, अपने परिवारजन, अपने इष्ट मित्र, अपने बहुत ही खास लोगों के 25-30 लोगों के नाम लिखो। उसने सबसे पहले अपने सगे संबंधियों के नाम लिखे, फिर अपने रिश्तेदारों के नाम, फिर इष्ट मित्रों के नाम, फिर सहकर्मियों के नाम, ऐसे उसने 25-30 नाम लिख दिए। अब उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने कहा अब इनमें से वो 5 नाम हटा दो जो तुम्हें सबसे कम प्रिय हैं। तो उसने 5 नाम सहकर्मियों के हटा दिए, उसके ऑफिस स्टाफ के लोगों के नाम हटा दिए। फिर बोला अब और 5 नाम हटाओ जो तुम्हें और उससे कम प्रिय हैं। जितने लोग हैं उनमें से 5 किन और नामों को तुम हटा सकती हो जो तुम्हें कम प्रिय हैं। उसने अपने पड़ोसियों के नाम हटा दिए। फिर प्रोफेसर साहब ने कहा 10 ऐसे नाम और हटा दो जो तुम्हें और कम प्रिय हैं, मतलब वही रखो जो तुम्हें ज्यादा प्रिय हो। तो उसने 10 अपने सगे संबंधियों के नाम भी हटा दिए। अब केवल वहां 4 नाम रहे। उस बोर्ड पर जो 25-30 नाम थे, धीरे धीरे मिटते मिटते 4 नाम रहे। उन 4 नाम में कौन कौन थे? उसके एक तो माता जी थे, उसकी मदर, उसके फादर, उसकी पत्नी और उसका एक बच्चा। 4 नाम ही रहे। अब प्रोफेसर साहब ने कहा अब 2 नाम और तुम हटा दो, इन 4 में से तुम्हें 2 नाम और हटाने हैं। तो बहुत देर सोचती रही कि कौन से नामों को हटाऊं। तो बड़ी मुश्किल से उसने अपने माता पिता का नाम उस ब्लैक बोर्ड से हटा दिया। अब प्रोफेसर साहब ने कहा ये जो 2 नाम रहे हैं, तुम सबसे ज्यादा, तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण कौन है, इसमें से 1 नाम और हटा दो। अब आप बताइए उसने कौन सा नाम हटाया होगा? उसकी पत्नी, पति का नाम लिखा हुआ और उसके बच्चे का नाम लिखा हुआ है। उसने अपने मन पर, अब सब लोग जो भी देख रहे थे वो सब स्वयं को भी तोल रहे थे, सब लोग उस गेम का हिस्सा थे, सब लोग सोच रहे थे कि हम भी शायद ऐसा ही करते जैसा वो महिला कर रही है। लेकिन उस महिला ने अब अपने बच्चे का नाम मिटा दिया, अब केवल 1 ही नाम रहा, किसका? पति का। अब उस महिला को प्रोफेसर साहब ने कहा जाके अपनी जगह पर बैठ जाओ। अब लोगों से पूछा कि कोई बता सकता है कि उसने केवल पति का नाम ही क्यों रहने दिया? तो कोई जवाब नहीं दे पाया। तो उससे वापस पूछा कि तुम जवाब दो। तो उसने कहा, प्रोफेसर साहब ने पूछा तुमने अपने माता पिता का नाम क्यों हटाया, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उनका नाम भी तुमने हटा दिया, तुम्हारे जीवन में उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? बोले इंपॉर्टेंस तो बहुत है, लेकिन मेरे माता पिता भी जब मेरी शादी करके किसी दूसरे घर में कन्यादान कर चुके हैं और उसके पश्चात वो भी बुजुर्ग हो रहे हैं, कुछ समय में वो भी चले जाएंगे, वो मेरा साथ जिंदगी भर नहीं दे सकते, इसलिए मैंने उनका नाम इस ब्लैक बोर्ड से हटा दिया। बोले तुमने अपने बच्चे का नाम क्यों हटाया? तुमने जिसको जन्म दिया, बच्चे से बड़ा तो कुछ होता नहीं, उसका नाम क्यों हटाया? बोले वो बच्चा भी बड़ा होगा, अपनी बहू ले आएगा, अपनी पत्नी ले आएगा, वो मेरा साथ देगा नहीं देगा मुझे कुछ पता नहीं। फिर तुमने अपने पति का नाम क्यों रहने दिया? वो बोले मैं जीवन के अंतिम क्षण तक जो मेरा सबसे ज्यादा साथ देगा वो मेरा पति होगा, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। सब साथ छोड़ सकते हैं लेकिन पति पत्नी का संबंध इतना विशेष होता है कि वो मरते दम तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। इसलिए जीवन में पति को चाहिए कि पत्नी की मान सम्मान का ध्यान रखे।